सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम कनाडा एयरपोर्ट से निकले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ी थी, और जब हम इंडिया लैंड हुए तो वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस थे और रिक्वायरमेंट्स थे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इट्स काइंड ऑफ व्लॉग, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहूँगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं जा रहा हूँ इंडिया आफ्टर सो लॉन्ग। लास्ट में गया था 2018 में मैं आया था, 2019 में गया था, तो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। ऑल रेडी सेट टू गो। हमारा जीत भाई आया छोड़ने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो आपको दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिलेटेड टू कोविड। फर्स्ट, आपको अपना स्विच हेल्थ से कोविड टेस्ट कराना है विद इन 72 आवर्स ऑफ डिपार्टिंग योर फ्लाइट। स्विच हेल्थ से विद इन 72 आवर्स, दैट इज़ मैंडेटरी। एंड सेकेंड, आपको एयर सुविधा फॉर्म फिल करना है जिसमें आपकी मोस्टली डिटेल्स मांगते हैं, चेक इन टाइम, आपका डोज 2 कब लगी थी, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी नेगेटिव रिपोर्ट उसमें आपको अपलोड करनी पड़ती है। दोनों के लिंक स्विच हेल्थ और एयर सुविधा के मैं आपको लिंक में डाल के देता हूँ। अपने हैरी भाई एयरपोर्ट पे काम करते हैं, किसी को भी एयरपोर्ट पे कुछ जरूरत हो तो कॉन्टैक्ट हिम, DM हिम इंस्टाग्राम पे। हैरी भाई, कुछ तो फ़ायदा उठाया आपका एयरपोर्ट पे काम करने बहुत का। लंबी लाइन है, बहुत लंबी है। सो यूजुअली जो मैंने नोटिस किया, जब कनाडा से इंडिया की फ़्लाइट होती है वो ऑलमोस्ट डिले ही होती है, बट स्टिल आई रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाए। सेफ्टी के वक्त, सिक्योरिटी के वक्त कोई भी इशू नहीं आया था, सब स्मूथली हो गया था, क्योंकि चेक इन पे इतना टाइम लगता है, वो इतनी स्लो है कि आप सिक्योरिटी तक सिंगल इंडिविजुअल से पहुँचते हो और वहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था। यार मुझे ये समझ नहीं आता कि बोर्डिंग के वक्त सब गेट के आगे लाइन लगा के चले जाते हैं क्यों, बट कोई रीज़न समझ नहीं आता, क्योंकि वो आपके बिना तो प्लेन को फ्लाई नहीं करेंगे, और सेकेंडली वो गेट और वो कोड के हिसाब से ही सबको बुलाते। लाइक इफ़ यू आर इन एस क्लास तो एस क्लास वाले पहले आएंगे, देन बी क्लास वाले बाद में आएंगे, तो एक इनका एक सिस्टम सेट होता है। आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो, कितनी बड़ी लाइन इन लोगों ने लगा रखी है, एंड आई वॉज़ वेरी अमेज्ड कि लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यार अब आता है एयर इंडिया पर रिव्यूज़। सो पर्सनली कनाडा से इंडिया का जो प्लेन था, इट वाज वेरी टेरेबल। लाइक मैंने 5-6 अपने फ्रेंड से बात किया जो कनाडा से इंडिया जा रहे थे, उनके प्लेन सबकी ही ऑलमोस्ट प्लेन, एयर इंडिया के स्पेशली प्लेन जो थे बहुत ही टेरेबल थे, बट इंडिया से कनाडा आते वक्त के जो प्लेन हैं इनके, दे आर अमेजिंग। एंड आई एम नॉट श्योर कि इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बट आई विल बी गोइंग टू शो यू अभी इस वीडियो के अंदर कि प्लेन के रिव्यूज़ कितने ख़राब थे। इनफैक्ट वहाँ के क्रू ने खुद बोला था कि वो अपने प्लेन से परेशान है, सारी चीज़ों बहुत ज़्यादा आउटडेटेड थी। अब यहाँ देखोगे गार्बेज पड़ा है बिन में, स्पेशली लेकिन गार्बेज बाहर भी पड़ा था जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं, देन समबडी रिक्वेस्टेड कि आप इसको अंदर रखो। सीट इनकी बड़ी अनकम्फर्टेबल है। सो पर्सनली मेरे रिव्यूज़ है, अगर आप कैनेडा से इंडिया जा रहे हो तो प्लेन इज़ नॉट गुड, बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा देन प्लेन इज़ गुड। ये हमारा को पैसेंजर भाई, 14 घंटे हमने इतनी गप्पे मारी है बैठ के कि दोस्ती यारी हो गई है। कांटेक्ट में रहना भाई, कांटेक्ट में रहेंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट भाई, आसाम के आसाम जा रहे हैं।
एंड जब आप इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डेस्क पे पहुंचते हो तो दे यूजुअली आस्क यू आपका नॉर्मल नेगेटिव रिपोर्ट एंड दैट्स ऑल। वहाँ पे आपसे ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं, देन यू आर गुड टू गो। एंड मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है कि इंडिया से कनाडा आते वक्त के डॉक्यूमेंट्स और जो रिक्वायरमेंट्स है वो दे आर स्लाइटली डिफरेंट, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आई बटन पे मैं डाल दूंगा, तो जिसने नहीं देखी वो वहाँ जाके देख सकता है। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइन है इमिग्रेशन पर, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी लाइक दिस वीडियो, एंड जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।